नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा के पटियाला गेट में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नौजवान की मिली लाश, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीताला मंदिर के पावन दरबार से 29 मार्च को निकाली जा रही श्री राम नवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु पहली मीटिंग का हुआ आयोजन। और अब हलचल विस्तार से। नाभा के पटियाला गेट में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 22 वर्षीय नौजवान की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक नौजवान की पहचान हरजीत सिंह उर्फ पोलो निवासी गांव रोहटी बस्ता के तौर पर हुई है। उक्त युवक की मौत कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच हर एंगल से कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नाभा के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। इतने प्यासीगा रात दा ते सानू इत्थों फोन कीता सी किसी ने थाने जा, असी आए सी हुण भेजे एंबूलेंस राहीं हॉस्पिटल। किन्ने कु बजे थानू पता लग्गिया? ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਸੱਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीताला मंदिर के पावन दरबार से 29 मार्च दिन बुधवार को बाद दोपहर 2 बजे श्री देवीताला मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से शहरवासियों के सहयोग से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा संत समाज के अध्यक्षता में निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने के लिए एक मीटिंग जालंधर स्थित सवेरा भवन में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवीताला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विच और महासचिव राजेश विच की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शहर के सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों, सामाजिक संस्थाओं व धार्मिक कमेटियों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मीटिंग में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महंत गंगादास, 1008 महंत केशवदास, बाबा राजकिशोर और पंडित गुलशन शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर आए हुए श्री राम भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस दौरान आए हुए सभी कमेटी सदस्यों ने इस शोभा यात्रा को पॉल्यूशन फ्री बनाने व भव्य रूप प्रदान करने के लिए अपने सुझाव भी दिए। सभी पदाधिकारियों ने इस शोभा यात्रा में सैकड़ों श्री राम भक्तों सहित भाग लेकर इस शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने का ऐलान भी किया। इस मीटिंग में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महंत गंगादास, महामंडलेश्वर 1008 महंत केशवदास, बाबा राजकिशोर, महंत पवन कुमार दास चप्पेवाल और पंडित गुलशन शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर आए हुए श्री राम भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस दौरान आए हुए सभी कमेटी सदस्यों ने इस शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने के लिए अपने अनमोल सुझाव भी दिए। सभी पदाधिकारियों ने इस शोभा यात्रा में सैकड़ों श्री राम भक्तों सहित भाग लेकर इस शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने का ऐलान भी किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, उप प्रधान वीरेंद्र मल्होत्रा, उप प्रधान डॉक्टर सतपाल गुप्ता, ज्वाइंट सचिव CAVM अरोड़ा, मेंबर एडवोकेट मनमोहन शर्मा, उद्योगपति सुदर्शन शर्मा, सुनील चोपड़ा, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता सहित दिनेश शर्मा, गुरुदत्त श्रृंगारी, विनय जोशी, राजेश अग्रवाल, वरिंदर महेंद्रू, अरुण कोहली, विजय खुल्लर, बांकीलाल पुरी, संदीप शुक्ला, बलदेव आनंद, सोमदत्त कालिया, प्रोफेसर विपिन झांझी, श्यामलाल चड्डा, विपिन चड्डा बब्बी, बलदेव राज चौहान, जनक राज, शिव शर्मा, राकेश बब्बल, हरबंस अरोड़ा, सतपाल बिल्लू, महेश सोडी, कमल किशोर सिक्का, कुलवंत बाबा, सुभाष ढल, विवेक पुरी, विक्की, सतीश धीर, सोमदत्त कालिया, संजय कोचर, जॉय मलिक, सुदेश गुप्ता, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, मनीष शर्मा, अश्विनी शर्मा, अनु सचदेवा, अरुण वर्मा, पवन मेहता, राजू शर्मा, अर्जुन मल्होत्रा, राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, अजय मल्होत्रा, हरिकांत झा,
भूषण कोहली, राकेश कश्यप, वेद कुमार पुष्कर, गौरव बारी, सनी, हैप्पी शर्मा, साधु राम कालिया, सुनील अरोड़ा, हरबंस लाल बहल, वीना शर्मा, विनोद बाबा, विश्वामित्र अरोड़ा, राकेश नारंग, सुशील मल्होत्रा, एसके मित्तल, विजय कुमार जोशी, रमेश सहगल, ओम प्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्री राम भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत, संदीप शर्मा, जतिन राजपूत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। रामनवमी शोभा यात्रा जिहड़ी कि देवी तला मंदिर तो एक विशाल रूप लै के महामाई की जोत की अगवाई थले एक निकलती है हर साल दे विच। इस साल साड़ी इच्छा है कि होर भी भव्यता नाल, होर भी सुंदर तरीके नाल शहर दे विचों रामनवमी शोभा यात्रा निकले और इहदे वास्ते असीं तुहाडे सारे मंदरां कमेटियां नूं, सारे मंदरां दे अहुदेदारां नूं, संत समाज नूं तकलीफ दित्ती है वी आओ साडा मार्गदर्शन करो तां कि इह रामनवमी शोभा यात्रा पंजाब दी नहीं हिंदुस्तान दी एक विशाल शोभा यात्रा दे रूप दे विच सामने आवे और साडे जलंधर शहर दी और मां भगती दे दरबार दी और देवी तला मंदिर दी शान जिहड़ी है ਉਹ ਵਧੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਵੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਰਾਮਨੌਮੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਗੰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਪਰਮ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, आदरणीय पूजनीय संत समाज, विद्वत समाज, सभी मंदिरों के प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब, अध्यक्ष, जो भी आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमें अपनी परंपराओं के लिए भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शोभा यात्रा के लिए श्री देवी तलाव के प्रधान जी, शीतल बीज जी और सभी पदाधिकारी गण बैठे हमारे सामने साथ में बैठे हैं, सभी ने मन सावाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से एकत्रित होकर के भावना के साथ आज उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शोभा यात्रा के लिए सबको निमंत्रण दे करके बुलाया है और यही कामना है कि उस परंपरा को हम कायम रखें, बद से बद योगदान दे करके और सबको ये पता लगे कि हाँ श्री देवी तलाव प्रागण से शोभा यात्रा निकली है, सबको इसमें हुम हुमा करके पहुंचना है और शामिल हो करके इस कार्य को पूर्ण करना है। जय श्री राम। सब तो पहले तो मैं सब का स्वागत करता इतने आया दा और सारे जड़े अपना लोग आए हैं अपना रामनवमी दे वास्ते अपना इतने कट्ठे हुए हैं और 29 तरीक नूं जिस तरह के दसिया गया कि उहदे च अपनी बहुत विशाल शोभा यात्रा निकलनी है, उहदे विच वध तो वध लंगर होने चाहिए है, ज़्यादा तो ज़्यादा लोग होने चाहिए है, क्योंकि हुण एक एक टाइम ऐसा आ गया है कि सानू जरूर अपनियां संस्थावां दी जिहड़ी एक पावर है, अपनी जिहड़ी जोश है, सानू दिखाना चाहिए और वो तो वह लोग इकट्ठे होन और वो तो वह लंगर लगन, ये मेरी एक प्रार्थना है सारे अगे। बड़ी खुशी वाली गल है कि कई साल तो जी एक शोभा यात्रा शक्तिपीठ देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी स्वर्गीय श्री बसंत प्रकाश जी के साहबजादे शीतल विजे, राजेश फिज जी, परविंदर बैल जी और साडे ललित गुप्ता जी, सारे मंदिर प्रबंधक कमेटी के जिन्ने भी सदस्य बैठे आ और सारे मंदिरों के जिन्ने भी सेवादार बैठे आ और जिन्ने भी शहर के संत समाज, ब्राह्मण समाज बैठे आ, पहले दिन तो जेड़े कंधे नाल कंधा लगा के शीतल जी नाल मंदिर जी नाल चलते आज भी वो चल रहे। आ जा भी भक्ता राम जन्म उत्सव, क्योंकि प्रभु का कभी जन्म नहीं होता, वो हमेशा अवतार हुए और अच्छे अवतार हुए आ और अच्छा उन्हों का आशीर्वाद
सारी कमेटी दे बनिया रहे और इस तरह नाल असी वध चढ़ के हिस्सा जिहड़ा है ओ असी लैंदे रहिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद शीतल जी उनके परिवार को, राजेश विज, ललित गुप्ता, परविंदर बैल एवं सारी कमेटी को जिन्ने कदम तुम चल के आए हो। अज राम भगत दैनिक सवेरा जोड़ा है वह पवित्र हो गया है। ये यज्ञ है, ये हमन तुम किया है, जरा राम नाम का सिमरन करोगे ये दैनिक सवेरा चढ़दिया कलां च 9 निधियां ते 12 सिद्धियां। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एंड मंदिर मॉडल हाउस हमेशा ही सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तला मंदिर तो जो भी प्रोग्राम लिखा जाता हमेशा वो सहमति नाल शामिल होंगे। इस शोभा यात्रा विच भी असीं जो देश होगा 4 झाकियां 29 तरीक नूं लैके आवांगे। एक मैं सुजैशन देनी चाहुंदा, श्री लक्ष्मी मंदिर कमेटी ने मानपूर्णा हाल हुणे ही आरंभ किया पिछले हफ्ते। जय श्री राम, जय श्री राम। हर साल की तरह इस साल भी 29 मार्च नूं श्री शक्तिपीठ देवता मंदिर तो जिहड़ी शोभा यात्रा चल रही आ निकलनी आ बहुत ही एक इतिहासिक काम और बड़ा धार्मिक काम आ जिदे विच असी सारे जिन्हें मंदिर के आगू आए हुए हाँ असी बड़े सुभाग्यशाली हाँ जिन्हों सू शिव आप शक्तिपीठ देवता मंदिर की कमेटी ने सानू इनवाइट किया आओ। असी बहुत करमाले हाँ जिदे विच सानू ये हिस्सा मिलया कि शोभा यात्रा च आई है और सेवा का मौका मिलया। ये असी मैं शिव शंकर मंदिर वालों एक बढ़ चढ़ के फ्रूट का उत्थे लगन लावांगे और सारे मंदिर कमेटी वालों का स्वागत करांगे और सम्मानित करांगे सारिया नूं आया नूं और असी भरपूर सारा शिव नगर साडा उस अपने शोभा यात्रा च शामिल होएगा। तो असी बहुत बहुत इन्हां नूं बधाई दिंदे आ विज साहब नूं, जशवीर जी नूं, शीतल वीर नूं और देवी तला मंदिर कमेटी नूं कि जिहड़े काम करदे आ बड़ी देर तो बहुत ही सारे क्योंकि साडा जिहड़ा देवी तला मंदिर आ वर्ल्ड च इक्को ही मंदिर आ, वर्ल्ड च मशहूर आ सारे और इहदी जिहड़ी शोभा या बधाई हुई है इन्हां ने बहुत शिव शक्तिपीठ देवी तला मंदिर की कमेटी ने बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मंदिर का विस्तार भी हो रहा, मंदिर को बढ़ावा भी हो रहा वा, मंदिर का निर्माण भी हो रहा वा। इस करके ये सारे जने विज साहब और बैस साहब सारी कमेटी बधाई दे पात्र आ। असी सारे जने इन्हों बहुत बहुत बधाई देने और परमात्मा इदा ही साढ़े ते आशीर्वाद हाथ रखे और असी हमेशा यह शोभा यात्रा बनाते रहिए। श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ तो यह जी सालाना रामनवमी उत्सव कमेटी तो शोभा यात्रा निकल जो उसके उपलक्ष्य के मीटिंग रखी गई जी दैनिक सवेरा दे ऑफिस दे विच सब तो पहले श्री शीतल वीर जी इन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद जो कि देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी हैं तो दैनिक सवेरा के चीफ एडिटर हैं। इन्हां दे नाल बैठे श्री राजेश वीर जी, परविंदर बहल जी, ललित गुप्ता जी ते खास करके साडे ये जिहड़े इन्हां देवी तला मंदिर कमेटी के मैंबर श्री सुदर्शन शर्मा जी नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देवांगे जिहड़े कि चांसलर बने हैं गुरुकुल कांगड़ी दे। अज जो सवेरे न्यूज़ असी पढ़ी उदो वड्डे शर्मा जी लाल हरबंस लाल शर्मा जी की याद आई क्योंकि वह भी बहुत देर तो ही गुरुकुल के नाल जुड़े हुए सन, उतों की सेवा करते थे। इन्हों माता जी भी बड़े प्रभु भगत, उन्होंने अज नाम लेना बनता सीगा क्योंकि यह बड़ी वड्डी उपलब्धि जड़ी हुई है सुदर्शन शर्मा जी नूं, वह भी उन्होंने बजुर्गों के आशीर्वाद के नाल हुई। इस दे नाल जिहड़ी कि देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी तो हर साल बहुत विशाल शोभा यात्रा निकलती है जिसका कि सारे मैंबर साहबान ने पंडित गुलशन जी ने भी कहा कि एक अपना भव्य शोभा यात्रा जिहड़ी कि हिंदुस्तान च एक नाम रखती है। ये जिहड़ी जदों शुरू हुई सी बड़े छोटे स्थान तो अपना जरा चल के छोटे रूप दे विच सी, अज जो बड़ा वड्डा समुंदर बन गया है वो प्रभु की कृपा दे नाल। ये सारी बधाई दे पात्र जिहड़े देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं जिन्हें कि बड़ी नेक नीति दे नाल इस अपना मंदिर कमेटी को संभालिया ते चला रहे हैं। देखते हैं कि जदों भी कोई पंजाब च VIP आंदा जिहड़ा पहला हरिमंदर साहब या दुर्गियाणा मंदिर जांदा
जो जलंधर टच करता तो आटोमैटिक दिल करता कि देवी तलाब मंदिर कमेटी के जाके देवी माँ देवी भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये भी एक बहुत वड्डी उपलब्धि है साढ़े जलंधर शहर वास्ते, सारे हिंदुस्तान के जिहड़ा नाम रोशन किया। इन्हां शब्दों नाल इन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदे हां ते सारी संगत नूं सारे मंदिर कमेटियां दे सज्जनां नूं बेनती करदे हां कि जिद्दां माँ भगवती दी जोत अगे चल के सारिआं नूं आशीर्वाद लैंदे हन, जोत दा आशीर्वाद लै के जोत नूं मत्था टेक के उस भव्य शुभ यात्रा दे विच अपना सहयोग देन, यात्रा दे नाल हुम हुमा के चलन। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। अज जिस बैठक दी अध्यक्षता करदे होए साडे बहुत ही सत्कारयोग महामंडलेश्वर श्री बाबा लाल दयाराज चरणोत्तम बंत गंगाधर जी महाराज और उन्होंने नाल साढ़े देवी तलाब मंदिर के प्रधान आदरणी शीतल बेदी जी, रजेश जी, परिंदर बैल जी, गुप्ता जी और सारे ही राम भगत। अज मैं सब नूं इस पवित्र उपलक्ष्य में लख लख बधाई दिना कि पिछले 3 साल तो जो कोविड का चलता से पिया और कारण सानू शोभा यात्रा जी कुछ देर ले रोकनी पई। आज जो बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि असी फिर पिछली बार वांगू जितों असी शुरू खत्म की थी उतों शुरू कर लगे हैं। मैं इस उपलक्ष्य में सब लख लख बधाई देना और जिस ढंग के नाल असी अगे इस शोभा यात्रा दे शामिल होंदे रहे हैं, हुण भी होवांगे अपनी झांकियां कंगत लैके भी। और मैं समझना कि साडे समाज नूं इकट्ठा होने की लोड़ है। शक्तिपीठ देवी तलाब मंदिर की प्रबंधक कमेटी और उन्होंने प्रधान श्री शीतल विज जी, श्री रजेश विज जी, श्री परविंदर बहल जी और साड़ी हिंदुओं की आस्था नूं सही राह ते लियाण वाले ये मंदिर प्रबंधक कमेटी है, बहुत वधाई दी पात्र है। शक्तिपीठ देवी तलाब मंदिर तो जिहड़ी 29 तरीक नूं शोभा यात्रा निकल रही है, जो शक्तिपीठ देवी तलाब मंदिर वालों उद्देश होएगा साड़ी शिवपुरी मंदिर प्रबंधक कमेटी और कश्यप राजपूत सभा पूरा सहयोग करेगी और मच्छी मार्केट के कोल एक विशाल मंच लगाएगी और सारे आए हुए भक्तों सम्मानित करेगी। शक्तिपीठ वालों जो भी सेवा होएगी वह असं नवावे। एक बेनती जरूर करना चाहता हाँ मैं, सतगुरु रविदास महाराज जिस दिन शोभा यात्रा होंगी है उस दिन डीसी साहब वालों सरकारी छुट्टी होंगी है तो मैं कहना रामनवमी की शोभा यात्रा उत्ते भी एक सरकारी छुट्टी उस दिन जरूर होनी चाहिए है और साढ़े जोड़े बच्चे है वह हूं हुमा के शोभा यात्रा पहुँच सकन। मैं श्री देवी तलाब मंदिर के प्रधान शीतल विजय अगर बेनती कराँगा कि इन प्रयासों वो पूरा करन। जय श्री राम। एक तो पहलों सब नू बहुत बहुत रामनवमी शोभा यात्रा दी जो 29 तरीक न श्री सिद्धपीठ देवी तलाब मंदिर तो निकल रही है, बहुत बहुत बधाइया। लक्ष्मी नवयुग सभा जदों की देवी तलाब तो शोभा यात्रा शुरू हुई है उदों तो ही टांडा रोड फाटक से एक विशाल लंगर का आयोजन करता वा तो वह करता ही रहेगा और आए गए सारे वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा और अन्य प्रकार के लंगर टांडा रोड फाटक के कोल लगाए जाएंगे। ये श्री शीतल विज जी के मार्गदर्शन से असी चलते हाँ तो चलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वेलफेयर सोसाइटी फगवाड़ा गेट तो अज असी सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के वलों श्री रामनवमी के पावन मौके पर जिहड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही है उहदे उपलक्ष्य विच जिहड़ी बैठक अज सवेरा भवन विच हो रही है जिहदे विच सारे गणमान्य साडे सारे मंदिर कमेटियां दे संत समाज दी अध्यक्षता दे विच साडे श्री शीतल विज जी जिहड़े मुखिया ने उन्होंने हिंदू धर्म नूं एक सांझी ध्वजा दे थल्ले सारिआं नूं इकट्ठा करके
अज ये शोभा यात्रा जिहड़ी कि श्री रामचंद्र जी दे लई उन्हां दे जन्म दिवस दे मौके ते कढ़ी जा रही है, उन्हां दे लई जिहड़ा भी असी इह काम कर रहे हां ये बहुत ही जिहड़ा उपराला बड़ा वधिया है। असी बड़े धन्नवादी हाँ मानयोग श्री शीतल विज जी दे ते समूह मंदिर कमेटी दे जिन्हां ने रजेश विज जी दे बैल जी दे ते समूह मंदिर कमेटी संत समाज दे जिन्हां दी अध्यक्षता दे विच पूरा जलंधर शहर एकजुट हो के श्री राम जी का पावन जन्म उत्सव मनाएगा ते श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। जय माता दी। इस शुभ अवसर के उत्ते जिथे मैं रामनवमी की सब नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा, इस दे नाल नाल ही इस प्रबंधक कमेटी नूं बहुत ही बधाई दिंदा जिन्होंने इस कमेटी द्वारा दो साल वास्ते चुनिया, और इन्हां दे नाल नाल सारी आई हुई समूह संगत भी बधाई दी पात्र है कि सानू जिन्ना भी कार्य मिलते हैं इतों आवाज़ आती है और इन्हां दी देखरेख च इन्हां दी रहनुमाई दे विच सानू ये शोभा यात्रा ज होर भी कार्यक्रम मिलते हैं वो असी करन दा मौका मिलेगा। मैं ज़्यादा समय ना लंदा होया हूँ नारायण सेवा समिति और प्राचीन त्रिवेणी महावीर मंदिर टांडा रोड वालों दो विशाल लंगर लगवाउण दी आप जी नूं सूचना दिंदा। टांडा रोड दे उत्ते प्राचीन त्रिवेणी महावीर मंदिर टांडा रोड और नारायण सेवा समिति वालों टांडा रोड दो विशाल लंगर लगाए जाणगे। जय माता दी। जिहड़ी रामनवमी दी शोभा यात्रा देवी तला मंदिर तों निकल रही है अपने शोरूम दे बाहर एक विशाल मंच लावांगे अते लंगर लावांगे, बाकी जो साडे वध तों वध बाजारां जाके मैं संपर्क करके लंगर वध तों वध लगूंगे। पीर पोतला बाजार, टारी बाजार, शेखा बाजार, हरियाणा बाजार जिन्हें भी एसोसीएशन है सारे मिल के वो लंगर जिदा हर साल लाते हैं वो लाऊ गए। अज बहुत दिनों तो बहुत मतलब कि दो साल तो तीन साल बाद साडे जिहड़े भरा इन्ने इकट्ठे हुए ने, और मैं सारे बधाई दिनी है कि जन्माष्टमी रामनवमी के उपलक्ष्य के जिहड़ी शोभा यात्रा श्री देवी तलाब मंदिर तो निकल रही है श्री साडे शीतल वीर जी दे, राजेश वीर जी दे, परविंदर बैल वीर जी दे इन्हों के नृत्य विच जिहड़ी, और साडे श्री कृष्ण मुरारी मंदिर तो जिदा मेरिया भैन अगे चल दियां सी हमेशा, इस तरह इस बार भी मैं सबरूप लैके आऊँगी नाल मेरी कमेटी के मैंबर भी होंगे और सारिया भैन इकट्ठिया कीर्तन कर दियां हुई पूरी शोभा यात्रा के कीर्तन कर दियां हुई असी सारिया भैन पहुँचा और महाराणी का श्री राम जी का गुणगान करांगे और बहुत बहुत बधाई सारिया वीरां नूं। अज असी संगत रूप में सारे मंदर के अहुदेदार प्रधान सैकटरी जो अज असी सारे इकत्र होए हैं, मैं छोटा जिहा सुझाव जरूर देंगा क्योंकि टाइम भी तुसीं थोड़ा दिता है कि जिहड़ा शहर के जिन्हें भी मंदिर हैं उन्हां दी एक कमेटी बना के तुसीं सानूं अपने नाल जोड़ो। शहर बहुत वड्डे वड्डे मंदिर ने, जो हालात चल रहे ने अज जो साडे इस टाइम जो खतरा च हो रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म नूं तुसीं आप देखो कि की हालात चल रहे ने, तो जदों भी कोई इदां दी गल होवे तो साडी इत्थों देवी तला मंदिर जिहड़े साडे बिल्कुल उच्चा स्थान आ साडा उत्थों सानूं इक आवाज़ आवे तो सारे इकत्र असीं होईए। तुहाडा आन ते प्रबंधक कमेटी दे प्रधान शीतल विज जी, मैं तो कहूँगा कि सारे साडे मंदिरां दे प्रधान है शीतल जी, जे एडे वड्डे संस्था दे प्रधान है तो साडे सारे मंदिरां दे प्रधान है उन्हां वल्लों तुहाडा सब दा स्वागत। एक अज होर बड़ी वधिया सुजैशन आई सी सुदर्शन शर्मा जी वल्लों कि क्यों अच्छा होएगा कि क्यों ना असीं अपनी नवीं जनरेशन अपने बच्चियां नूं भी इस शुभ काम च लंगरां दे विच रामनवमी शोभा यात्रा दे विच भी आडा नाल लै के आईए ता कि जिहड़ी साडी नवीं जनरेशन है वह वैसनाइज हुंदी जा रही है वह साडे धर्म वाल रुचि रखे और साडे धर्म नाल जुड़े। इन्हां शब्दां दे नाल मैं तुहाडा सब दा इत्थे आउण ते आभार व्यक्त करदा हाँ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी की विशेष बैठक जालंधर स्थित सवेरा भवन में हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज को दो वर्षों के लिए पुनः प्रधान नियुक्त किया गया। इसी तरह राजेश विज को महासचिव, ललित गुप्ता को वरिष्ठ उप प्रधान, पविंदर बहल को कैशियर, वीरेंद्र मल्होत्रा को उप प्रधान, डॉक्टर सतपाल गुप्ता को उप प्रधान, सीए वीएम अरोड़ा को जॉइंट सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया।
इसी के साथ सुदर्शन शर्मा, सुनील चोपड़ा, विनोद गुप्ता और एडवोकेट मनमोहन शर्मा कमेटी सदस्य के तौर पर नियुक्त रहेंगे। इस अवसर पर सभी सदस्यगणों ने प्रधान बनने पर शीतल विज को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। इस दौरान कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने बताया कि श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से पहले की तरह ही मंदिर के सौंदर्यकरण और विकास कार्यों को लेकर कार्यरत रहेगी और हिंदू धर्म की रक्षा हेतु धार्मिक समागमों में बढ़ चढ़कर सहयोग करती रहेगी। उन्होंने कहा कि देश विदेशों से आने वाले असंख्य भक्तों की सुविधाओं के लिए श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी हमेशा से वचनबद्ध है और रहेगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत, संदीप शर्मा, जतिन राजपूत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। 2023-24 और 25 31 मार्च तक श्री शीतल विज जी द्वारा सर्वसम्मति दे नाल प्रधान नियुक्त किया गया है और राजेश विज जी जनरल सैकटरी, बाकी सारी टीम उदा ही, कैशियर साहब भी उदा ही है, सारी नियुक्त की गई है और बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिते गए अज की मीटिंग दे विच। पहला तो यह भी विसाखी वाले दिन तो पहले पहले ये जरा पत्थर का काम है सरोवर के आले दुआले और पैसेज दे विच लगना शुरू हो जाएगा और दूजा यह है भी शोभा यात्रा 29 तरीक न बहुत विशाल शोभा यात्रा जलंधर शहर चो कढ़ी जाएगी जिहड़ी कि देखने योग होएगी और शहरियां नू सारियां नू मंदिर कमेटी वालों अपील है कि वध चढ़ के इस शोभा यात्रा सहयोग दिओ और वध चढ़ के लंगर लगाओ, वध चढ़ के फुल पुष्प वर्षा करो और झाकियां का स्वागत करो, शोभा यात्रा का स्वागत करो। उस तो बाद एक प्रबंधक कमेटी ने भी डिसाइड किया है कि पूरी परिक्रमा अच्छी तरह ना डेकोरेट की जाए और सरोवर की कार सेवा भी सितंबर के द्वारा शुरू कराई जाए। यह भी प्रबंधक कमेटी ने कार सेवा वास्ते ताकि मंदिर का जो पवित्र जल है वह शुद्ध हो सके, साफ हो सके और देखने चंगा लगे। इन चीज़ों के नाल मंदिर कमेटी की अज मीटिंग प्रधान जी की धन्यवाद के नाल समाप्त हुई। शोभा यात्रा वास्ते और या कार सेवा वास्ते कोई भी सानू शहरी सुझाव देना चाहे तो उन्हों का स्वागत है और मेरा मोबाइल नंबर 94-176-72-777 से वो संपर्क कर सकता है, सैकटरी साहब न संपर्क कर सकता है 98-764-6001, कैशियर साहब 98-140-81-785। इन फोन नंबर से कोई भी सुझाव देना चाहते हो तुम शोभा यात्रा किदा ब्यूटीफुल बनाया जाए, शहर च किदा साफ सफाई रखी जाए, किदा पवित्रता रखी जाए, किदा डिसिप्लिन रखा जाए, कोई सुझाव तुम देना चाहते हो तो तुम मोस्ट वेलकम। और परिक्रमा वास्ते भी कोई तुम सुझाव देना चाहते हो, पत्थर लग रहा है बहुत ब्यूटीफिकेशन, उदयपुर तो कारीगर बुलाए जा रहे हैं, उन्होंने वास्ते भी कोई सुझाव देना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। श्री दुर्गियाना तीर्थ परिसर में श्री वेद कथा भवन में श्री लक्ष्मी नारायण राग सभा व श्री दुर्गियाना कमेटी द्वारा करवाए जा रहे 118वें 4 दिवसीय संगीत सम्मेलन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर द्वारा किया गया। इस मौके पर बीबी के डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन की छात्राओं ने राग की शुरुआत कर अपनी कला का प्रदर्शन कर समा बांधा। इस दौरान श्री राम आश्रम स्कूल के बच्चों ने भक्ति संगीत गाया तो पूरा परिसर भक्ति के रस में डूब गया। इस दौरान अलग अलग प्रदेशों से आए प्रतिभागियों द्वारा अपनी कला के प्रदर्शन से श्री वेद कथा में बांसुरी, सारंगी, वायलन व हारमोनियम के साथ भक्ति गीतों की बौछार की। इस अवसर पर श्री दुर्गियाना कमेटी की प्रधान लक्ष्मीकांता चावला भी विशेष तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर राग सभा के प्रबंधक सुधीर मेहरा ने कहा कि समय की जरूरत है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करें। पिछले 118 वर्षों से संगीत सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को विरासत के साथ जोड़ना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर का भी, दुर्गियाना मंदिर का भी, कि जो राग सभा है लक्ष्मी नारायण राग सभा, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभाया है। 118 वर्ष का समय बहुत ज़्यादा होता है। तब ये राग सभा आज़ादी से पहले शुरू हुई और उसके बाद चलती जा रही है। ये बीच में बड़े संकट भी आए, देश का विभाजन भी हुआ, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने चला के रखा, आर्थिक साधन भी कम हुए थे। आज बड़ी खुशी है कि ये सुदर्शन कपूर जी के नेतृत्व में
राग सभा चल रही है, 118वीं राग सभा है और इसका रूप जो मुझे लगता है रूप स्वरूप आगे बहुत विशाल होगा। बहुत पुरानी बात है, हम बचपन में आते थे अपने बड़ों के साथ तो बाहर टेंट में रात दो दो तीन तीन बजे तक जो पुराना ढंग था ना, सरहाने लगाने, मसनद लगाने, जमीन पे बैठ के शास्त्रीय संगीत सुनना, जैसे कैसे भी उन्होंने बचा के रखा। और इस बार तो देश के 5 या 7 प्रांतों से कलाकार आए हुए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ आज का दिन शेयर करता हूँ सारे समाज के साथ कि लक्ष्मी नारायण राग सभा आज यहूदियों का पर्व मना रही है और ये संगीत का पर्व हमारा 4 दिन चल रहा है। आपको पता है कभी ये आम कहावत है कि फागुन के दिन 4 होली खेल मना रहे, तो ये 4 दिन होलियों के हम संगीत द्वारा मनाते हैं। और सबसे पुरानी संस्था अब सर्वे कोई संस्कृत है तो यही है, इससे पुरानी कोई भी नहीं है जब ये संगीत है। और जहाँ संगीत से शुरू हुआ इसी साल 20 साल के बाद मंदिर की स्थापना हुई। मेरे साथ जुड़े हुए जो है जिनके दो दो तीन तीन पीढ़ियाँ निकल गई हैं, इधर जुगल किशोर जी है जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, लाजपत खन्ना जी है जो कोई 50 साल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, सारे हिंदुस्तान से जो कलाकार हैं उनको हम इन्वाइट करते हैं और यहाँ संगीत का कार्यक्रम होता है। दूसरी खूबी ये है कि इसमें हम डोर टू डोर संगीत प्रेमियों से कलेक्शन कर रहे हैं खर्च के लिए और एंट्री जो है वो सबके लिए फ्री रहती है ऑल द 4 डेज। हमारे पीछे दुर्गाना हमारी ताकत है, उसके साथ ये जुड़े हुए हैं। नारायण राग सभा वाले 118वां वार्षिक राग सभा करों दे बहुत बहुत बधाई। दूजी सारे शहर वासियों होली की बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मी नारायण राग सभा वालों इस कारण बधाई 118वां साल है, इतने लोग 18 दिन ही कर खास कर उलसा की सारी कमेटी नूं बहुत बहुत बधाई जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी बहुत वधिया उपराला किया है। ईवन कल्ले पंजाब चो नहीं 8-10 12 स्टेटां चो भी गायक साथे है। संगीत भक्ति का साधन है, असीं चाहवांगे कि सारे जिन्हें भी अमृतसर के वासी है वो जरूर इतने आके होली के त्यौहार भी मनान ते आके संगीत का मज़ा भी उठान। मेरा सारे जिन्हें भी दानी सज्जन है उन्होंने मेरे वालों लक्ष्मी नारायण राग सभा वालों बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों के योगदान ही ये सम्मेलन समर्थ हो पा रहा है। दुर्गयाना कमेटी श्री दुर्गयाना कमेटी का भी सानू बहुत ही योगदान है, उन्होंने प्रांगण च शुरू तो असं इतें ही करते आ रहे हैं संगीत सम्मेलन। उन्होंने प्रधान जी, उन्होंने सैकटरी साहबा, उन्होंने मैंबर सब का बड़ा बड़ा योगदान है। मैं सारिया का एकदम फिर तो आभारी हाँ एंड आशा करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके साडा संगीत सम्मेलन सुनेंगे। जालंधर के गांव शेखों में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी बुजुर्ग अनाथ बच्चों और विधवा औरतों के लिए बने आश्रम का उद्घाटन करने के लिए विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ आदमपुर से विधायक सुखविंदर सिंह कोटली भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने डेरा 108 संत इंद्रदास जी महाराज के साथ कुछ देर तक बातचीत की, जिसके बाद मीडिया से बिना बातचीत करते हुए चन्नी वहां से चले गए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में जन्मे एनआरआई नौजवान सनम कालो की ओर से वर्ल्ड कैंसर केयर की मदद से सीमावर्ती तहसील अजनाला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज में निशुल्क कैंसर चेकअप कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और वर्ल्ड कैंसर केयर के संस्थापक कुलवंत सिंह धालीवाल और एनआरआई सनम कालो द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस मौके पर माहिर डॉक्टरों की टीम द्वारा लोगों की निशुल्क जांच कर उनके निशुल्क टेस्ट भी किए गए। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को निशुल्क दवाइयां भी दी गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मदर नु कैंसर सी, असी उन्हां नु देखदे रहे हैं, ट्रीटमेंट चो निकले आ, किन्नी पेन चो निकले आ, उत्थों ही इंस्पिरेशन मिली आ ते असी सरदार कुलवंत सिंह धालीवाल जी नाल कॉन्टैक्ट किया। तो असं चाहते सके कि साडा पिछड़ा इलाका बॉर्डर एरिया है तो असं इतने आने के लोगों की कुछ सेवा कर सकी कि जे अज असी थोड़े जे कैपेबल है लोगों की सेवा करने लई इस इलाके की देनी है जी, तो असी इस इलाके
वापस देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो आन के लोगों की विच वड़ के विच रह के सेवा करना चाहते हैं। तो असं बड़े धन्यवादी हैं जी साडे मिनिस्टर एनआरई मिनिस्टर सरदार कुलदीप सिंह धारीवाल जी इन्हां दी टीम दे जिहड़े कि पिछले काफ़ी दिनों तो सानू बहुत सहयोग दे रहे हैं जी, साडे सानू सारे रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये परसनली इन्होंने बहुत इंट्रस्ट लिया इन्होंने सारे कैंप्स के विच, असी बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये एक सांझा जिहा एफर्ट है जी, तो सानू सारिआं नू इहदे विच योगदान दी सानू लोड़ है जी, तो असी बहुत थैंकफुल हैं सारिआं नू। लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं जी कि वध चढ़ के आओ तो अपना चैकअप कराओ, तो असी पिछले कुछ समय के असी परसनली इंट्रस्ट लैके ट्रीटमेंट भी करवाए लोगों के, तो असं तो इसे कहने जी आन के वध चढ़ के आओ तो इन्हों दी सर्विसिज लाओ जी। और इतों के जो लोग ने बेचारे उन्होंने बहुत सारिया बीमारियां जड़िया छोटिया वड्डिया बीमारियां जड़िया बहुत ज्यादा, और अज के युग में सब तो खतरनाक बीमारी जी नामराद बीमारी जी कैंसर वह भी बहुत ज्यादा आ, कई कारण करके कैंसर हो रही है समाज। सो मैं इस गलते खुश हाँ कि कुछ लोग भगवान वाहगुरु परमात्मा धरती के उत्ते कुछ लोगों को भेजता जेडे सिर्फ तो सिर्फ लोगों की सेवा करते समाज सेवा करते हैं, वो लोगों की तंदुरुस्ती वास्ते रात दिन काम करते हैं। उन्हां चों एक कुलवंत पाजी वर्ल्ड केयर सेंटर वाले इंग्लैंड तो पिछले कई सालों तो अखां दे कैंसर दे शुगर दे कैंप लाउंदे आ, इन्हां दे नाल भाई साहब साडे आस्ट्रेलिया तो पिछले साल भी इन्होंने ग्रंथगढ़ जिहड़ा बहुत वधिया कैंप लाया सीगा। बठिंडा के गांव नरवाना के नजदीक पुल के पास एक नौजवान नशे की ओवरडोज के कारण बेहोश अवस्था में मिला, जिसके पास से एक टीका भी बरामद हुआ है। इस दौरान समाज सेवी संस्था की ओर से बेहोशी की हालत में नौजवान को बठिंडा के सरकारी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। तो वहीं बेहोशी की हालत में मिले नौजवान ने बताया कि उसने चिट्टे का टीका लगाया था जिस कारण वह बेहोश हो गया। मेरा नाम संदीप सिंह सहादन सिंह मैंबर हाँ, सानू साडे प्रधान श्री विजय गोयल जी ने 98 551 33 333 के कॉल आई थी कि बठिंडा नरवाना पंप को एक मोटरसाइकिल सवार डिग्गया पाया गया। मैं आगे मौके पर देखा जो कि मोटरसाइकिल सवार साइड पर डिग्गया पाया सीगा, जो कि ये साइड को टीका पाया सीगा जिन्हें सरकारी अस्पताल लैके आए हैं, बाकी त्योहने रहने वाला जो कि यदि तुम देख रहे हो ये टीका पाया सी साइड पर हस्पताल लैके आए, बाकी इलाज चल रहा सर। जीरा के अधीन आते गांव बानावाली का रहने वाला 13 वर्षीय लवप्रीत सिंह नामक बच्चा घर से किसी काम से बाहर गया, जिसके बाद वह लापता हो गया। चार बहनों का एक लौता भाई और माँ बाप का एक लौता बेटा लापता होने के बाद पारिवारिक सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे की तलाश करने के बाद जब उसका कुछ पता नहीं चला तो अभिभावकों ने थाना मल्लावाला में लवप्रीत सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। इस मौके पर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि बच्चे के अभिभावकों की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस द्वारा टेक्निकल ढंग से जाँच की जा रही है और कुछ लोगों से संदेह के आधार पर पूछताछ भी की जा रही है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। मेरा नाम जसवीर कौर आ, पिंड बाणा वाली लोच मेरे आख्या लाव तू जाना काम ते, आंदा मम्मी वेख ला। मैं आख्या पुत तू घरे रवी, मैं ना वंडे होवां ते हेरण के तेनू घलाऊंगी, तो मेरी आई तो जावी है ना चंगा मम्मी। पट्ठे लिया कुतरे मेरे पुत ने आण के, मैं आख्या जाना काम ते आ मम्मी चल जाना वा। मेरा पुत 1:30 बजे का करो गया, मेरा पुत वापस नहीं आया करो। कितनी उम्र थी बच्चे की? मेरा पुत 14 साल का मेरा पुत है। किदन दी गल है जी, किदन दी घटना जी? एतवार दी गल है, 26 तरीक 26 तरीक ने मैं सारे साडे दिन झूठा ले जांदा कोई ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚੱਲਦੀ ਮਾਰਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਾ ਝੁਗੜਾ ਸੀ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਆ 5-6 ਜਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ SDM ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਵੱਜਣਾ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਇਸੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰੁਕਰੇਹਾਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ब्रह्म कुमारी द्वारा बरनाला के तपा में सूर्य कॉलोनी में बनाए गए नए भवन ज्ञान सूर्य भवन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज A.N. जिंदल ने ज्योति प्रज्वलित कर की। इस मौके पर पटियाला से आई हुई लड़कियों ने स्वागती गीत पर नृत्य किया और स्थानीय केंद्र की संचालिका B.K. उषा दीदी ने सभी आए मेहमानों का विशेष रूप से स्वागत किया। इस मौके पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित और कई राज्यों की डायरेक्टर B.K. प्रेम दीदी और B.K. उत्तरा दीदी के अलावा B.K. जगरूप भाई, B.K. शांता दीदी सहित शहर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थान डेरा बाबा इंद्रदास के गद्दी नशीन संत भगवान दास, सेवामुक्त ADC प्रवीण गोयल, एडवोकेट कुलवंत राय गोयल, बार एसोसिएशन बरनाला के अध्यक्ष नितिन बंसल, रमेश सिंगला विशेष मेहमान के रूप में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में मंच संचालन अरुण भाई ने बखूबी निभाया। कार्यक्रम के अंत में केक काटने की रस्म अदा की गई और मेडिकल बैंक के इंचार्ज डॉक्टर लेखा शर्मा ने सभी आए हुए मेहमानों का धन्यवाद किया। इस मौके पर सभी मेहमानों को विशेष रूप से सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया, जिसके बाद ब्रह्म भोज करवाया गया। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फाउंडेशन आज से 2.5 वर्ष ठीक पूर्व जब राम मंदिर मंदिर की नींव रखी गई थी, उसी दिन यहाँ पर धरती हुआ था। आज 2.5 वर्ष पूरे होने के बाद ये प्रोग्राम समापन हुआ है और इस प्रोग्राम की विशालता ये रही कि यहाँ पर और दूर दूर से बरनाला क्या सर्कल से लोग आए, पटियाला, बठिंडा और फरीदकोट, और यहाँ विशेषता ये रही कि यहाँ नॉर्थ जोन के डायरेक्टर और पटियाला सर्कल और बठिंडा सर्कल के डायरेक्टर बहनें यहाँ पर पहुँची और उनका पूर्ण सहयोग हर बहन भाइयों को यहाँ पर रहा, तो इसीलिए आज हम सबका सम्मान करते हैं और सबको मेरी एक प्रकार से दिल की आभार है। बठिंडा में अग्रवाल एकता सभा की ओर से प्रधान ज्ञान प्रकाश गर्ग की अध्यक्षता में ट्रस्ट मंदिर श्री रामचंद्र में अग्रवाल समाज के समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के पंजाब प्रधान स्वरूप चंद सिंगला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह की शुरुआत सभा के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके पश्चात अलग अलग सेवाओं के लिए नियुक्त किए गए पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर ज्ञान प्रकाश गर्ग ने कहा कि समाज के हर वर्ग के पिछड़े लोगों की मदद के लिए अग्रवाल एकता सभा द्वारा विभिन्न विभागों की 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें लोग अपनी किसी भी समस्या का समाधान और मदद हेतु संबंधित विभाग के मुख्य अधिकारी से मिल सकते हैं। इस मौके पर सभा के सभी सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। अग्रवाल सभा वालों होली का प्रोग्राम आज दे, जिथे होली का बड़ा पवित्र पर्व है, बठिंडा दे विच अग्रवाल एकता सभा इस होली मिलन प्रोग्राम करा रही है, जिथे होली मिलन प्रोग्राम कराया गया है उत्थे समाज के विच अपनी जिम्मेवारियां समाज के लोगों को दित्तियां गईयां कि वो जिम्मेवारियां सारे ही लोग समझ के ते समाज की जिहड़ी हैगी है सेवा कर सकन, समाज के लोड़वंद लोगों लई मदद कर सकन, जरूरतमंद लोगों की लोड़ वेले अगे आ के उन्हों का जिहड़ा जीवन सुखाला कर सकन। जी की नाम है जी? मेरा नाम प्रेम गर्ग है जी, मैं सीनियर वाइस प्रधान अग्रवाल एकता सभा का जी। अज असी कोशिश की है कि अग्रवाल पूरे परिवार सारे मिलकर होली का उत्सव मनाइए, कि अग्रवाल एकता सभा वालों 11 विभाग बनाए गए, जेडे मैंबर बनाए गए, उस तरीके की सेवा देन गया आपकी, तो अच्छ पूरे शहर के चर्चा है और सैकड़ों लोग इतने परिवार इकट्ठे हुए हैं,
ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਏਕਤਾ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਹੋਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹੋਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਜੀ आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सौरभ मदान और लवप्रीत मदान ने मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर पवित्र वेद मंत्रों से हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर विद्वान आचार्य सुरेश पराशर ने विधिवत पूजा अर्चना कर यज्ञ को संपन्न करवाया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल और रंजीत आर्य ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान अश्विनी डोगरा द्वारा मुख्य वक्ता के तौर पर हाजिरी लगाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अगर हम करना चाहें तो लगभग कम से कम 4.5 घंटे लगते हैं, ज्यादा तो आप 6-7 तक जा सकते हैं, पर 4.5 तो मैंने बिल्कुल घटा के बोल दिया है उसमें। जब तक कि दोनों के हृदय को हृदयंगम नहीं किया जाएगा वर और वधु के आपस में, तो वो तो फिर काम खत्म करने वाली बात है कि 2-4 मंत्र पाठ किए और जयमाला वगैरह हो गई, मांग भरवाई, फेरे लगवाए, हो गया काम। पर उसको जो हमारे ऋषियों ने उसमें जो हमें उपदेश दिया है, जो सिखाया है व्यवहारिक ज्ञान, वो नहीं मिलेगा, उसका पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर आज इस नवयुगल दंपति जो हमारे बीच में प्रथम बार बैठे हैं, एक तो इन्होंने शिक्षा ली होगी, जब शादी हुई होगी तब भी ऐसे ही लामा पीने के समय समझाते हैं, तो आज पुनः आचार्य जी ने हमें मंच से आप लोगों को ये चीजें विवाह के संदर्भ में समझाई, पत्नी के कर्तव्यों के बारे में बताया और पति का जो आचरण होना चाहिए, पत्नी का अपने सास के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो आचरण होना चाहिए उसी के बारे में आपको जानकारी दी। मैं आशा रखता हूँ कि ये छोटी छोटी शब्द ये शब्दावली आचार्य जी ने हमें बताई, ज्ञान बताया, ये आपके जीवन में हमेशा उन्नति के लिए सर्वथा आपकी यादों में रहेगी। 1979 से लगातार यहाँ वेद चाय का उदयमान हो रहा है, नित्य प्रति यहाँ पर जो हो रहा है, आज भी जो मुख्य यजमान है नवयुग दंपति बेटी नवप्रीत और हमारा बेटा सौरभ के नाना ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर बैठकर उन्होंने करोड़ों बार, एक बार नहीं, हजार बार नहीं, जो इतने साल लगातार 2005 तक नित्य प्रति यहाँ कर वेद मंत्रों का यहाँ कर आकर के पाठ करते थे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नाभा के पटियाला गेट में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नौजवान की मिली लाश, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीताला मंदिर के पावन दरबार से 29 मार्च को निकाली जा रही श्री राम नवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु पहली मीटिंग का हुआ आयोजन। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।